डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम चार अक्षर वाले शब्द बोल बोल कर लिखेंगे और पढ़ेंगे। बोलिए शा बा ना मा, शबनम। क्या बन गया ये? शबनम। जोर से बोलेंगे शा बा ना मा, शबनम। ये पढ़ेंगे पा ना घा टा, पनघट। ये क्या हो गया? पनघट। घा टा पनघट। चा चा ला चल। इसको बोल बोल के लिखेंगे चा ला चल। शबनम पनघट चल। तो इस प्रकार हमारा ये पूरी जो पिक्चर बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन पूरी हो गई, शबनम पनघट चल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लिखा ना पा ता गणपत। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे गणपत। तो पहले लिखेंगे हम गा ना पा ता गणपत। ऊ ठा उठ, ऊठा उठ। का सा रा ता कसरत। तो अब हम कसरत लिखेंगे का सा रा ता कसरत। क्या लिखेंगे हम? का रा कर कसरत कर। तो पूरा क्या पढ़ेंगे हम? गणपत उठ कसरत कर। तो इस प्रकार हम ये पूरी लाइन चार अक्षर वाले शब्दों की पूरी एक सेंटेंस बन जाता है, गणपत उठ कसरत कर। तो पिक्चर बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक लाइन पूरी कंप्लीट कर दी। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे देखें, ये पढ़ेंगे आ सा ला मा असलम। तो इसको लिखेंगे हम आ सा ला मा असलम। ये क्या है? आ बा अब। तो इसी को बोल बोल के हम लिखते जाएंगे आ बा अब। कल क्या लिखा था हमने? असलम अब सा रा का सा सरकस। तो क्या बन गया? सरकस। सरकस। चाला चल। चाला चल। असलम अब सरकस चल। तो इस प्रकार हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है। तब हम आगे देखेंगे चित्र पहचान कर इनके नाम लिखो। तो ये पिक्चर दी गई है, अब इसके हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें दो अक्षर वाले भी हैं, तीन अक्षर वाले भी हैं और चार अक्षर वाले भी हैं। ये क्या है? तरकश। तो हम इसको क्या मिलाएंगे? ता रा का श तरकश। चार अक्षर के शब्द है ना, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें? ता रा का स तरकश। ये क्या है? मगर। ये क्या लिखा है? मगर।
तो हम इसको लिखेंगे तीन अक्षर वाला शब्द है ये, मा गा रा, मगर। ये क्या है? ऐनक। क्या है ये? ऐनक। तो बढ़िया से ऐ ना का ऐनक, ठीक है। ये क्या है? कटहल। क्या क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? का टा हा ला, कटहल। ये क्या है? कलम। का ला ना, कलम। ये क्या है? बर्तन। तो ये कितना प्रोनाउंसिएशन है इसमें? फोर। बा रा ता ना, बर्तन, ठीक है। अभी नीचे देखेंगे क्या है ये, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो ये क्या बना हुआ है? एक घर बना हुआ है। तो इसमें एक शब्द लिखा, एक नहीं लिखा, तो हमें क्या लिखना है? उसको पूरा करना है। तो यहाँ क्या आएगा? घर, घा। किसकी आवाज़ आ रही है? घर। तो घा लिख देंगे, तो ये रा लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? घर। ये क्या है? कमल है ना, तो माल अमल लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है? कमल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमल। तो का लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है? भगत। क्या बना हुआ है ये? भगत। तो यहाँ क्या आएगा? भा गा ता, तो इसमें कौन सा शब्द नहीं आ रहा? गा। तो हम गा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा भगत। ये क्या है? औरत। तो अ बनी हुई है, ता बना हुआ है, इसमें कौन सा नहीं आ रहा शब्द? रा। तो हम रा लिख देंगे, तो औरत। ये क्या आ जाएगा? बतख। तो बा लिखा है, ता लिखा है, ख, बतख, ख की आवाज़ आ रही है, तो हम खा लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? बतख। ये क्या है? सबसे इजी है ये, बताइए क्या है? ना ला नल, ठीक है। तो इस प्रकार आप दो तीन चार अक्षर वाले शब्दों को कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार पढ़ना सीखेंगे। थैंक यू।